चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस में एलईडी। एलईडी कैसे काम करता है, कैसे बना हुआ रहता है, उन सब की चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले एलईडी के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये फॉरवर्ड बायस्ड में काम करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो स्पेशल कंस्ट्रक्शन के अंदर एक स्पेशल चीज होता है वो है हेवी डोपिंग। मतलब इसमें जो पी टाइप एन टाइप जो सेमीकंडक्टर हैं उनमें डोपिंग हेवी किया जाता है, ठीक है। क्यों हेवी डोपिंग करते हैं ये वर्किंग में समझ में आ जाएगा। सो ऐसा हेवीली डोप्ड जंक्शन डायोड जो विजिबल लाइट एमिट करे फॉरवर्ड बायस्ड में, उसी को एलईडी कहते हैं। सो एलईडी इज अ हेवीली डोप्ड जंक्शन डायोड विच एमिट्स विजिबल लाइट अंडर फॉरवर्ड बायस्ड। अगर मान लीजिए वो इंफ्रारेड लाइट एमिट करेगा तो आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा तो आप कहां से उसको मतलब एलईडी करिए कि लाइट एमिट हो रहा है। आप देखे होंगे जो रिमोट होता है उसके आगे एक एलईडी जैसा लगा हुआ रहता है, जब उसको दबाते तो थोड़ी लाइट दिखता जाता है, तो वो इंफ्रारेड में है ना, मतलब एटलीस्ट विजिबल रेंज में तो नहीं है, है ना। तो आपको घर में बल्ब लगाना है तो ऑब्वियसली ऐसा एलईडी आपको चाहिए जो विजिबल लाइट एमिट करे। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं? अगर वो लाइट एमिट करने वाला है तो इसके चारों तरफ इसको इनकैप्सुलेट करेंगे, मतलब कवरिंग जो देंगे वो ट्रांसपेरेंट कवर कर देंगे ताकि जो लाइट वो एमिट कर रहा है वो बाहर आ सके। ब्लैक अगर हम लोग कर दें लाइट वो एमिट भी करेगा बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये इसके कंस्ट्रक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब आते हैं वर्किंग की तरफ। वर्किंग में क्या है कि हम लोग इसमें रखते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। कैसा बायसिंग? फॉरवर्ड बायसिंग। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग जो है उसमें आपको मालूम है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अपने जहां पे वो मेजॉरिटी था वहां से वहां मूव करता है, वेयर दे आर माइनॉरिटी। मूव करेगा कि नहीं करेगा बताओ भाई। जैसे मान लो ये पीएन जंक्शन डायोड, तो होल यहां पे मेजॉरिटी है, ये पी साइड है, ये एन साइड है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी। तो होल्स अपने मेजॉरिटी वाले साइड से किधर जाता है? वो उस साइड चला जाता है जहां वो क्या है, माइनॉरिटी। अच्छा, इससे क्या होगा, माइनॉरिटी का यहां एक्यूमुलेशन हो जाएगा। जंक्शन के पास बहुत सारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दिखने लगेंगे। इसलिए नहीं कि यहां पर माइनॉरिटी बढ़ गया, दूसरे जगह का मेजॉरिटी यहां आ गया है और वो ऐसी जगह पे आ गया जहां पे वो क्या है, वो लोग माइनॉरिटी। तो बहुत अच्छा खासा संख्या में माइनॉरिटी आपको वहां पर दिखेगा। तो अब क्या होगा, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मान लो होल चला गया पी से एन साइड, तो इसको ना बहुत सारा यहां इलेक्ट्रॉन्स दिखेगा। दिखेगा कि नहीं बोलो, दिख रहा है? तो रिकॉम्बाइन होगा। तो एट जंक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीजेस एंड दे रिकॉम्बाइन टू एमिट लाइट। किसके साथ रिकॉम्बाइन करेंगे? जो होल पी से एन चला गया है वहां का जो मेजॉरिटी वाला इलेक्ट्रॉन है उसके साथ रिकम्बाइन करेगा, और रिकॉम्बिनेशन में हमको मालूम है कि एनर्जी रिलीज होता है, है कि नहीं। उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन एन से पी गया है वो पी साइड वाले होल्स के साथ रिकॉम्बाइन करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। सो एमिटेड एनर्जी जो होगा वो कितना होगा, वो एमिटेड एनर्जी एच न्यू ऑफ फोटोन, एमिटेड फोटोन जो होगा उसका एनर्जी होगा लेस देन और इक्वल टू एनर्जी गैप। ज्यादातर ये इक्वल होता है। एनर्जी गैप क्या है याद है? वही कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है उसी को एनर्जी गैप कहते हैं। एनर्जी गैप के बराबर फोटोन रिलीज होगा, ठीक है भाई। अगर ये एनर्जी गैप विजिबल लाइट के एनर्जी के इक्वल हुआ तो हम लोग को विजिबल लाइट वाला फोटॉन्स दिखेगा। अच्छा, ज्यादातर ये वैल्यूज तो एक को ही लैम्डा होगा ना, मान लो रेड के लैम्डा को कॉरेस्पॉन्ड करेगा तो रेडिश लाइट अपीयर होगा,
ब्लू लैम्डा को कॉरेस्पॉन्ड करेगा तो ब्लूइश लाइट अपीयर होगा। तो ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सा वेवलेंथ रिलीज हो रहा है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस तरह के मटेरियल का बना हुआ, मटेरियल के हिसाब से ईजी वेरी करेगा। एनर्जी गैप जो होगा वो किस मटेरियल का बना हुआ इस बात के हिसाब से वेरी करेगा। तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि कैसा वेवलेंथ एमिट होता है। सो लैम्डा एमिटेड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलईडी, और इसीलिए अलग अलग टाइप के मटेरियल से अलग अलग कलर निकलता है। कोई रेड एलईडी होता है, कोई ग्रीन एलईडी होता है, कोई ब्लू एलईडी होता है। अच्छा, लाइट में दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो उसका फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ डिपेंड कर रहा है मटेरियल पे तो उसका फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करेगा मटेरियल पे। तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की चर्चा होगी, अब इंटेंसिटी की चर्चा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड किस पे डिपेंड करेगा, सोचना भाई। इंटेंसिटी का मतलब होता है हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटॉन्स आर बीइंग एमिटेड पर सेकंड, और हर फोटॉन जो है वो डिपेंड करता है किस पे, कि कितना रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। हर एक रिकॉम्बिनेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक फोटॉन रिलीज होगा कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप फॉरवर्ड करंट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा होल्स का ट्रांसफर होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ज्यादा नंबर में ट्रांसफर होंगे। तो अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ज्यादा नंबर में ट्रांसफर होते हैं तो उस केस में ऑब्वियसली ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज होगा पर सेकेंड, और इसकी वजह से इंटेंसिटी बढ़ेगा। सो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एमिटेड बाई एलईडी इंक्रीजेस विथ फॉरवर्ड करेंट एंड रीचेज अ मैक्सिमम पॉइंट। इसके बाद फर्दर अगर आप करंट को इंक्रीज करेंगे देन इंटेंसिटी डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज करता है, ड्यू टू ओवर क्राउडिंग, भीड़ लग गया भाई, होल्स 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 होल्स, खाली होल्स, भीड़ लगा दिए। तो ये रिकॉम्बाइन किसके साथ करेगा, समझ रहे हैं। तो ओवर क्राउडिंग की वजह से अब फर्दर फोटॉन्स का रिलीज होने में हिंड्रेंस होगा, इसलिए और करंट बढ़ाओगे तो अब उसके बाद इंटेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, शुरुआत में जो मटेरियल बने थे, जो एलईडीज फॉर्म हुए थे, वो कलरफुल एलईडीज थी। क्यों, क्योंकि व्हाइट लाइट का कोई वेवलेंथ नहीं, व्हाइट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी वेवलेंथ्स। अब अगर आपके पास एक मटेरियल का बना हुआ एलईडी है, उसका एनर्जी गैप तो फिक्स है, तो वो या तो रेड होगा या ब्लू होगा, वो ग्रीन होगा या येलो होगा, वो व्हाइट कैसे होगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। शुरुआत में जो विजिबल रेंज में एमिट कर रहा था लाइट वो इस तरह से देखिए, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, सिलिकन कार्बाइड, इस तरह के बने हुए जो मटेरियल्स थे, ये भी सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं, ये विजिबल में एमिट कर रहे थे लाइट को। जो जनरल, जो हमारा मोस्ट कॉमन सिलिकन और जर्मेनियम है, वो इंफ्रा रेड रीजन में लाइट को एमिट करता है। ये विजिबल रेंज में करते हैं लेकिन स्पेसिफिक कलर को करते हैं। इसीलिए शुरुआत में बिफोर द डिस्कवरी ऑफ व्हाइट एलईडीज, डेकोरेटिव पर्पस के लिए जो एलईडीज यूज होती थी वो पहले डिस्कवर हो गई। व्हाइट एलईडी बाद में डिस्कवर हुआ। व्हाइट एलईडी को बनाने के लिए बहुत अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं। उसमें से जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड और लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड है वो ये है कि ब्लू एलईडी या अल्ट्रा वायलेट एलईडी को लेते हैं, मतलब एक ऐसा एलईडी जो ब्लू लाइट एमिट करे। जनरली ये गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एलईडी होता है, ठीक है, वो ब्लू एलईडी या अल्ट्रा वायलेट एलईडी लिए, उसके ऊपर येलो फॉस्फर का कोटिंग लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ब्लू लाइट भी एमिट होता है, और वो ब्लू लाइट जब येलो फॉस्फर की कोटिंग से पास करता है तो येलो लाइट में भी कन्वर्ट होता है, और इसकी वजह से ये जो दोनों मिक्स होता है तो एज अ रिजल्ट व्हाइट लाइट मिलता है।
ठीक है। उसके अलावा एक और प्रिंसिपल है आरजीबी, आपने सुना है आरजीबी, ये भी एक तरीका है, रेड ग्रीन और ब्लू, इन तीनों को मिक्स करेंगे तो भी आपको व्हाइट लाइट मिलेगा, ठीक है, वो भी एक तरीका। अब एडवांटेजेस की बात करें, एलईडी के एडवांटेजेस के बारे में सबको मालूम है, जो फिलामेंट वाला बल्ब था उसको बहुत हाई वोल्टेज और हाई पावर कंजम्पशन था, लेकिन ये लो ऑपरेशनल वोल्टेज पे काम करता है ना, मतलब आप देखेंगे एलईडी वाला टॉर्च भी है 1.5 वोल्ट के बैटरी पे सेल पे काम कर रहा है, तो लो ऑपरेशनल वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है इसको। सेकेंड, लो पावर कंजम्पशन, जब से इंस्ट्रूमेंट्स एलईडी बेस्ड हो गए हैं तब से क्या हुआ है कि उनका जो स्टैंडबाई ड्यूरेशन है वो बढ़ गया, समझ रहे हैं, वो बहुत सारे काम कर रहे हैं फिर भी इतना लंबा टिक जा रहा है उनका बैटरी, क्यों, एलईडी बेस्ड है इसलिए। अगर वो फिलामेंट बेस्ड होता तो एक तो साइज बहुत बड़ा होता, बल्कि होता, और दूसरा उसमें पावर कंजम्पशन बहुत अधिक होता। अब देखते हैं एलईडी बल्ब इतना लाइट देता है और उसके बाद भी वो 20 वॉट 25 वॉट मैक्सिमम होता है ना, ट्यूबलाइट पहले कम से कम 80 वॉट 100 वॉट का होता था, फिलामेंट वाला बल्ब जो है वो 100 वॉट का तो रहता ही था, है ना, सीएफएल भी आया तो 40 वॉट के आसपास का था। अब ये जो आ गया है ये लो पावर कंजम्पशन कर रहा है, साथ ही साथ इसका लाइफ भी लॉन्ग लाइफ भी है ना? फिलामेंट वाला बल्ब लाते हो सकता है 2 दिन बाद फ्यूज कर जाए, एलईडी वाले के साथ ऐसा नहीं होता है ना। अच्छा, आप देखते होंगे जो ट्यूबलाइट पहले होता था, स्विच ऑन करते थे उसके बाद समय लगता था, इंतजार करें भुक 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 उसके बाद तब जलता था, है ना, लेकिन इसमें वार्म अप टाइम नहीं चाहिए, उसमें एक्चुअली ना एक हीट गैस होता है उसको हीट करते थे, तो वो गैस जब तक एक्साइट नहीं होगा तब तक वो लाइट एमिट नहीं करेगा, तो उसको वार्म अप टाइम चाहिए था, इसका फास्ट एक्शन है एंड नो वार्म अप टाइम इज रिक्वायर्ड। उसके अलावा जो इसका लाइट है वो ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक, उसका जो वेवलेंथ है, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ का लाइट है ना, लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, तो उसका जो वेवलेंथ है वो इसी इक्वेशन से डिसाइड हो रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है हमेशा, थोड़ा बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है लेस का, तो इसीलिए कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट वो एमिट करता है, उसका जो लैम्डा होगा वही एच सी बाई लैम्डा इक्वल्स टू एनर्जी गैप से निकलेगा और उसी लैम्डा का वो लाइट एमिट करेगा, ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट करता है। तो ये हो गया एलईडी के बारे में, इतना पहले कॉपी कर लिया।